हेलो एवरीवन, आज हम टमाटर का सूप बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है राई, मीठा नीम, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, हरी मिर्च, नमक, चीनी, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ बारीक प्याज और पिसी हुई काली मिर्च, बटर और देसी घी में से एक हींग और तली हुई ब्रेड और टमाटर। अब टमाटर को हम चार भागों में डिवाइड करेंगे चाकू से। देखिए, जैसे कि अब ये सारे टमाटर हमने डिवाइड कर लिए हैं चार पार्ट में, सारे टमाटर कट चुके हैं। और आधा गिलास पानी और कुकर में डालेंगे और गैस चालू करेंगे और इसमें सारे टमाटर इसमें डाल लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसकी तेज आंच में हम इसको दो या तीन सीटी लगाएंगे। अब इसमें चलने दो। चार पांच सीटी अब आ चुकी हैं तो हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसकी गैस निकाल देंगे। अभी इसकी पूरी गैस निकल चुकी है और इसका ढक्कन खोल लेंगे कुकर का। और टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं। अब इन टमाटरों को इससे फोड़ेंगे थोड़ा सा, इससे इस तरह से, या रई हो गई तो राई से चला सकते हैं, राई से थोड़ा सा मथा जा सकता है या फिर इससे इस तरह से फोड़े भी जा सकते हैं। और जब इस तरह से ये पूरी तरह से जब मैश हो जाएगा तब हम इसको, जैसे ये हल्का सा ये मैश हो गया है, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब हम इसको इस तरह की एक छलनी लेकर और इसमें छान लेंगे। इसको किसी बर्तन बर्तन के ऊपर रखकर इस तरह से, और कुकर का धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, इस तरह से। और अब इस कढ़ाई और इस छलनी को इस तरह से करके इसका पूरा जूस नीचे छन कर आ रहा है। अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए, अब इसमें से सारा रस निकल गया है और केवल छिलका छिलका बचा है। तो अब इस छिलके को तो हम फेंक ही देंगे तो, और इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। और ये अब रस निकल गया है, जूस निकल गया है टमाटर का पूरी तरीके से। अब हम इसको कढ़ाई में छौंक लगाएंगे। इसके लिए ये हमने कढ़ाई ले ली है और हम गैस जलाते हैं। कढ़ाई को थोड़ा गर्म करेंगे और इसमें घी डालेंगे या मक्खन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दो चम्मच घी डाल देंगे, लगभग इतना ठीक ही है इतना।
अब इसको थोड़ा सा घी को गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। अब ये हमारा घी गर्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, फिर राई, राई थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, अब ये राई की आवाज़ आने लगी। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा, और थोड़ी सी लाल मिर्च, और कड़ी पत्ता, मीठा नमक। इसको अच्छी तरह से भून जाने के बाद इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं कि ये प्याज लगभग लगभग भुन चुकी है पूरी तरीके से। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसको भी थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। अब ये देखिए पूरी तरह से भून चुका है। और अब हम इसमें ये सूप, जो टमाटर का जूस जो निकला है, अब जैसा कि ये हल्का सा बॉईल होने लगा है तो इसमें हम हल्की सी हींग डालेंगे। और थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद एक चम्मच चीनी डालेंगे। और अब ये पूरी तरह से बॉईल हो चुका है और सूप लगभग लगभग बनके तैयार भी हो चुका है। बस अब हम ये गैस बंद कर देंगे और उसके बाद हम ब्रेड के टुकड़े डालेंगे। ये हमने गैस बंद कर दी और ये जो हमने ब्रेड जो तल के निकाली थी शुरू में, अब उन टुकड़ों को, ब्रेड को इसमें डाल देंगे। और हल्का सा मिक्स करके और इसको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये हल्का सा गाढ़ा भी हो जाएगा और ब्रेड इसका हल्का सा जूस है वो भी सोख लेंगे। और इसके बाद थोड़ी सी हम
स्वाद अनुसार थोड़ी सी काली मिर्च फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको ढक देते हैं। हाँ, 10 मिनट बाद मैंने ये थाली हटा दी है और ये अब खाने के लिए पूरी तरह से सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं इस तरीके से, और थोड़ा सा इसमें फिर ऊपर से बटर डालेंगे या घी डालेंगे। हल्का सा इसमें बटर या घी डालेंगे और अब ये खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है।